नमाज जनाजा के लिए ये मैयत घर से उठाते हैं, कलमे का जिक्र करने लगते हैं, बंदा दीवार बन के कहीं सामने आ जाता है। ओए जिक्र बंद करो ना, ओए ओए जिक्र बंद करो ना। मैं क्या, क्यों तो मुसलमान नहीं है? ये कलमा पढ़ना मुसलमाना का काम है, मुसलमाना का काम है। गैर मुस्लिम पे कलमा नहीं पढ़ते, हिंदू खत्री सिख पे कलमा नहीं पढ़ते। मैं अखां नाल वेखिया कई बारी, मेरे नले पेश होया जनाब, ये बंदे सामने आ गए ने, असी जिक्र नहीं करन देना, असी कलमा नहीं पढ़न देना। मैं कहा बदबख्ता की कर रहे हैं, मुनकन की रहन भी तेरे नाल बैठे हुए ने, एक नेकियां लिख रहे आए, एक गुनाह लिख रहे आवे, की लिखवा रहे हैं मुनकन की नूं? कलमा पढ़ दे सन, मैं पढ़न नहीं दिता है। ये बदबख्ती अपने सिर क्यों लह रहे हैं, बदबख्त क्यों बन रहे हैं? एक कलमा बंदा ना पढ़े मुसलमान नहीं आता। तो कलमा पढ़ के दुनिया तू चला जाए, आमना दे लाल ने फरमाया जन्नत का सर्टिफिकेट। कलमा ही ना पढ़ो तो फिर के बढ़ाओ, जे कलमा ही ना पढ़िए तो मोहतरम के बढ़िए। ये तबलीगी निसाब उन्हां दा, इसका नाम से पहले फजाइले अमाल, वो भी मेरे को पिया है, लेकिन ये असली है, ये असली है। यानी इसना ना तबलीगी निसाब सी, ये फिर बाद च ना आखिरी दरूद ना बाब छोड़िया कद ये लफ बोलो दरूद ना बाब, बाकी चेंज नहीं किया, इसना ना रखा ने फजाइले अमाल, ये बाकी दरूद ना बाब कट गए। तो मेरे को भी अल्लाह तौफीक दिती, मैं असली कद आंदा जी जी। ए इसका सफा नंबर जनाब 597 जी, ये इन्हों की किताब, इसे ते तबलीग करने, इसी की बगल पिछे छुपा के हर घर घर में जाने। तो इन्हों की आज बोनस मेरे की देना चाहना, इमाम साढ़े की किताब है तो पढ़ के खलीफा साहब सुनाइए। ये जी जनाब हवाला दे रहा हूं, जनाजे के साथ ला इला इल्लल्लाह पढ़ने की बात कहां लिखी है, किधर लिखा है जी? मैं क्या, मेरे को लदाज देता कभी पूछिया नहीं, मैं जिस गली चू लंघा है फिर जाने इस पास, मैं जिस गली चू लंघा तो इस पास फिर जाने, मेरे को पूछो। ऐ तबलीगी निसाब बाप फजाले जिक्र सफा नंबर 597 मेरे को तबलीगी जमात के इमाम ने लिखा एक हदीस है। बोलो बोलो जी, गल मुखा एक हदीस है आने जी, हदीस है कि जनाजा के साथ कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया। नहीं नहीं, मैं जितनी मोटी दलील दी, जिनी मजबूत गल की है, मैं कितों कढ़ के आंदी है, किंज मुतालिया किया, कितों किताब ने लोड़ी है, मैं जिहड़ी मेहनत की है वह सुनी है, तू ये कलमा पढ़ना लै, पर सीने में दो नारा करो सुभान अल्लाह, ये लिखी हुई है। हम ये कहते हो कहां लिखा है, क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा लिखा हुआ है तबलीगी निसाब के अंदर, बा फजाले जिक्र है, सफर नंबर 597 है, तुम्हारे इमाम ने लिखा है कि नबी पाक की हदीस है कि जनाजा के साथ, किसके साथ, किसके साथ, ओ किसके साथ, ओ किसके साथ, क्या पढ़ो? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वाले जो नहीं है कुछ समझ लगनी, टाइम नहीं है लगना, तुम्हारे ना रब्ता करो, सफे खोल के देना मेरा काम है, किताब खरीद के देना मेरा काम है, खोल के तकाना मेरा काम है, तो मन्ने ना फिर भी तू तो फिर तेरी भी तो डालनी। तो ये जो जनाजे के साथ मैं 3-4 वाक्य देख चुका हूं, लोग जनाजे के साथ मना करते हैं और वो कहते कि आवाज आई, बंदा तो बड़ा पक्का तो भी सी पर कलमा पढ़न लग पे, और कलमा तैयार ही पढ़ने आज, ये बंदा तो भी सी उचा तो सुभान अल्लाह। ऐ जनाब किताब है इमदादुल मुश्ताक के ना जी, एक किताब लिखी है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, बोलो बोलो जल्दी करो जी, किस लिखी है जी? साडे इमाम नहीं उन्होंने इमाम, तो मैं कोई बदतमीजी ना प्या कर रहा, मैं कहना भी अभी बोली अच्छी ना बोलने, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने एक किताब लिखी है, नाम है इस किताब का इमदादुल मुश्ताक। इमदादुल मुश्ताक नाम ही क्यों लिखी ने, उन्होंने मुर्शिद का नाम से हाजी इमदादुल हमाजर मक्की, ठीक है, इमदादुल मुश्ताक। तो सफर नंबर इसका है जनाब 215 है, बाद को तकना चाहे तक ने, मैं पढ़ने लगा तो मेम्बर छोड़न लगा जनाब। हाँ जी, हाजी इमदादुल हमाजर मक्की ने वसीयत फरमाई, इमामे काबा भी ना थी आखने, ये गल किसे और मौके खोसा, टाइम खत्म हो गया जनाब, वाले वसीयत फरमाई ने, फिर लिखी भी इन्होंने अपनी किताब ही लिखी ने वसीयत फरमाई कि मैं चाहता हूं मेरे जनाजा के साथ ऊंची आवाज में जिक्र किया जाए। ये जनाब जिम्मेदार हाँ, तो मेरे बाद मेरा पुत्र जिम्मेदार है ना कि ये सफे याद ना, किताबा रखियां नहीं नवी, ए जनाब किताब है इमदादुल मुश्ताक उन्हें भी है जेडे आने जनाब उच्चा जिक्र क्यों किया? इमदादुल मुश्ताक है किताब उन्हें नहीं है, किसी को मैं मांग के नहीं आते,
मांग के हाँ कही अजय है तस्लीम साहब है इमदाद मुशाद मैं उन्हें दिती है कुछ जाते इमदाद इन्हों को पही है मेरी किताब है इन्होंने को पही है इन्हें नहीं है तो दिती तो इसी पढ़ के सुनाओ मिलाद थोड़े इमाम ने भी मनाया है यह जी कलमे की गल उन्हें कहा जी कि साढ़े इमाम ने अशरफ अली खानवी साहब कहते हैं मेरे मुर्शद जनी मेरे इमाम वसीयत फरमाई मैं चाहता हूं मेरे जनाजा के साथ जिक्र जहार यानी बुलंद आवाज में जिक्र हो अल गर्ज अब मैं बीच छोड़ रहा हूं बिल्कुल अल गर्ज जब जनाजा लेकर चले एक अरबी बोला उसको रुल्ला सारे जितने भी शामिल सब सारे ने बुलंद आवाज जिक्र किया इस वास्ते मनाना करया करो तो ना साढ़े को सफे खिलवाया करो ठीक है असा फकीर लोग हाँ अल्लाह अल्लाह करने वाले हाँ असा को गाल कढ़ी कोई बुरा नहीं आख्या लेकिन तुहाडे भी बड़े उच्चा जिक्र करते रहे तुहाडे बड़िया दे जनाजे उच्चा जिक्र होना रहा मेरा कोई इतराज नहीं शहादत पढ़ो तो भी रब का जिक्र है पहला पढ़ो तो भी रब का जिक्र है।